An 11-year-old boy was allegedly attacked by a wolf in Mohan Pipri village of Pai Raich in the early hours of Monday morning. According to the family, at about 2 a.m. in the morning, while the family were asleep on the roof of their home, a wolf attacked Muhammad Umar's son Imran Ali. Muhammad Umar says that the wolf menace is continuing in the village for the past several days. People are afraid to venture out in the night in the village. The villagers claim the wolf has been escaping the forest authorities and hope that it gets captured soon. Earlier on Sunday, Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath visited Pai Raich district to meet the families affected by the wolf attack and assured the locals that the administration will work under Operation Bheria on the issue until the district becomes danger-free. Meanwhile, Forest Department officials are making all efforts to capture the sixth killer wolf under the Operation Bheria campaign that was launched in the state to capture a pack of six wolves that have killed 9 people and injured 50 people since July this year. However, District Forest Officer Ajit Singh has expressed doubt that it might not be a wolf attack. It is not in the nature of the wolves to climb in heights to attack, he added. लेकिन कल फिर रात में अभी हॉस्पिटल में इमरान नाम का बच्चा 11 साल का बताया जा रहा है, उसके जो पेरेंट्स हैं उनका कहना है कि भेड़िया छत पर आया और काटा और भेड़ी ने हमला किया। कैसे देखते हैं आप? देखिए, भेड़िया या कोई भी शिकारी जानवर हो, हिंसक जानवर हो, जैसे आप ऐसे समझिए कि हम कहीं जंगल में इको टूरिज्म जहां पर चलता है, जैसे कतरनिया में है या दुधवा में है, तो जब भी हम सफारी के लिए निकलते हैं तो हम खुले में खुली जिप्सी में बैठते हैं, सफारी करते हैं। कभी तेंदुआ या कोई बाघ या कोई भी जानवर हाथी छोड़ करके, क्योंकि हाथी काफी उसकी हड्डी ज्यादा होती है, हम इसलिए खुली जिप्सी में बैठकर जाते हैं क्योंकि कभी अपने हाइट से ऊपर कोई भी चीज हो, चाहे ऊपर कोई बैठा हो, चाहे ऊपर कोई खड़ा हो, चाहे लेटा हो, अपनी हाइट से बहुत ऊपर की चीजों पर वो कभी न शिकार करता है न आक्रमण करता है, वो इसके नेचर में नहीं होता है। तो इसी तरीके जैसे भेड़िया है, भेड़िया भी जब वो देखता है, जैसे कोई बच्चा जमीन पर या चारपाई पर नीचे लेटा होता है तो उसके हाइट के, भेड़िया के हाइट के उस मौके पर नीचे होता है, तो ऐसे स्थिति में वो हमला कर सकता है। लेकिन छत चूंकि बहुत ऊंची होता है, छत के बारे में भेड़िया सोचेगा भी नहीं, वो ऊंचाई देख करके, ऊंचाई पर किसी व्यक्ति लेटा हो, बैठा हो, कुछ भी कर रहा हो, वो यहां तक कि कोई आदमी अगर खड़ा हो गया, उसके सामने भी खड़ा हो गया, तो भी वो भाग जाएगा। वो उसको अंदाज होता है कि यह चीज हमारी हाइट से ऊपर है कि नीचे है। तो इसमें छत पर भेड़िया गया और बच्चे को उठाने का प्रयास किया, ये भेड़िया का हमको नहीं लगता है, न भेड़िया का है।